आज हम लोग जा रहे हैं एक हाउस वार्मिंग पार्टी में, और वहाँ पे बहुत सारे घर वाले जानने वाले आएंगे, आई थिंक सो। तो अभी जल्दी से रेडी होके आती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है 1 घंटे बाद का ही, और मैं पहनने वाली हूँ ये वाला सूट। तो रेडी होके दिखाऊंगी फिर आपको, और वहाँ पे मिलाऊंगी सबसे। गाइस, हम हो चुके हैं रेडी और अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बस फिर उनके यहाँ पे जाके दिखाती हूँ। हीरो टर्न टर्न हीरो टर्न हीरो मेरा हीरो हीरो डांस करना, डांस डांस कर दो। हे गाइस, अभी हमें आना पड़ा बीच रास्ते से वापस, क्योंकि हम बोल गए थे कुकू की बोतल लेके जाना, और कुकू को दूध पी रहा था, तो कुकू ने याद दिला दिया मुझे दूध चाहिए, तो हमें याद आया, फिर हम बीच से वापस आए। अब फिर हम जाएंगे दोबारा से, अभी मोहित लेने गए हैं बोतल वगैरह, तो तब जाएंगे फिर हम वहाँ पे। अब मतलब आज हम टाइम पे थे थोड़ा सा, और आज भी हमें लेट होनी थी। हमारा ना लिखा हुआ है, जैसे हमें हमेशा लेट होती है। हाँ, ये आ गए हम उनकी सोसाइटी में, और अभी हम ढूंढ रहे हैं उनका टावर कौन सा है, कहाँ पे है। भाई साहब थक गई, आ गए हम उनके घर पे। पंडित जी तो हाउ आर यू? मैं फाइन बोल रहा हूँ। आई एम फाइन, बात बोल को मैसेज भेजती है मेरा लड्डू गोपाल है। हरि ओम। वाली हो जाएगी, लाड़ी जाएगी बिहार तक। दृष्टिकोण भी आ गया, आपका फेस पीछे कैसे हो गया कुकू? उसके बाद अपने जन्मभूमि का ध्यान करिए, जन्मी जन्मभूमि से स्वर्ग आदि। चढ़ गया भैया, सामग्री भर लाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। दाहिने हाथ से 5 बार पूरा डालना है, डालिए। ओम प्राणाय स्वाहा। भगवान जी, भगवान जी को भी डायबिटीज हो जाए। और क्या, क्यों नहीं? फिर तो दीदी देखो, मानो की गंगा माहू ना मानो बहता पानी, जैसे हम लोग हैं ना उसी तरह भगवान। देखो भगत के बस में भगवान मानो तो मानो, नमान या गंगा भाव होने से गंगा जुकाम हो जाएगा, पानी गुनगुना कर गुना भाई, ये भक्त का भाव होता है, ये मत सोचिए। हाँ, ये होना चाहिए कि नहीं? देखो हाथ टूट गया, लेके घूम रहा भगवान, समझा करे। अकल नहीं तनख्वाह बढ़ाओ, अकल नहीं तनख्वाह बढ़ाओ। ये दोरी पकड़ना, सामग्री थोड़ा थोड़ा सा कोई ले लेना है, ऊपर पकड़ो भैया, सामग्री लो ललित, सब कोई थोड़ा थोड़ा लो भैया। हरि ओम, हरि ओम, भगवान की जय। नीचे से ऊपर और ऊपर कितने बड़े हैं आप, दुबई तक प्रमोशन होगा आपका। चलो बहन, आज भी ऐसे नेटवर्क बनाओ भैया तरह।
ऐसे नहीं, कल नहीं तनख्वाह बढ़ाओ। सो हे गाइस, अभी पूजा हो चुकी है और अब मैं दिखाती हूँ आपको इनका घर कैसा बनवाया, और वो चीज भी दिखाती हूँ जो मुझे सबसे अच्छी लगी इनके घर में। तो अभी दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं एंट्री से आ गया अपना खाना। घर का बना हुआ खाना सबसे बढ़िया, बाहर से तो बेटर। तो एक रूम है ये, जहाँ पे इन्होंने शॉपिंग्स वगैरह रखने का बनवाया है। ये स्लाइड अलमारी और एक नॉर्मल अलमारी, इसमें दो अलमारी है। ये मेन बेडरूम इसका, नहीं मेन बेडरूम तो दरवाला है ना, हाँ मेन बेडरूम दरवाला है। ये वॉशरूम इसका, उसकी बालकनी देखो यार, कितनी बड़ी बालकनी है भाई साहब। ये पूरी बड़ी बालकनी, मतलब हमारी से तो डबल ट्रिपल बालकनी है इनकी। और सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया बेनिफिट जो है इस घर का, वो मॉल है, और फिर वो भी मॉल है। और ये रहा पेट्रोल पंप, ये पूरा और एरिया देखो, जो कहते हैं नोएडा में गांव नहीं है, देखो पास में ही नोएडा में गांव भी है यार, ऐसी बात नहीं है। तो ये इन्होंने बनवाया हुआ है यहाँ पे स्टोर, ये यहाँ पे स्टोर बनाया। अभी तो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये सामान नहीं लेके शिफ्ट नहीं हुए। हटना। ये वाला है सेकंड रूम, इधर वॉशरूम है इसका। ये स्लाइड वाली अलमीरा है यहाँ पे। ये भाई, ये मुझे सबसे अच्छी लगी इनकी अलमारी, क्योंकि मैंने हैंगिंग स्पेस बनवाया था, इन्होंने कॉर्नर करके स्पेस बनवाया है, और ये सबसे बेटर है हैंगिंग स्पेस की, मुझे कहीं यूज़ नहीं होता अब। और यहाँ पे बनेगी स्टडी रूम, बनेगा यहाँ पे भी। तो ये फैन वगैरह लग गया अभी भी। तो ये है मेन बेडरूम, ये दूसरी बालकनी है, वहाँ पे किचन, और ये सारा ड्राइंग रूम। सो हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं घर वापस, और बहुत ही अच्छा रहा गृह प्रवेश उनका। उनका घर हमारे पास में ही है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी मुझे मेन क्या बनाना है अभी, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं, और कुकू वैसे तो सो गया, लेकिन उसने सुबह ही खाया था खाना, बाद में उसे दूध पिया है। वहाँ पे उसे बनाना भी दिया था खाने के लिए, लेकिन उसने खाया नहीं, उसने मुझे पकड़ा दिया वो। और अभी पता उसने क्या किया, उसका उसके बुआ ने पैसे दिए, और उसने क्या किया, वो जैसे मुझे दे देता है कि मम्मा पैसे, बोल के देता है मम्मा पैसे। आज उसने क्या किया, वहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ था, उन पैसे को जाकर डस्टबिन डाला है। वो तो अच्छा हुआ उसने देख लिया उसको करते हुए, और फिर उसने निकाल लिया वो एकदम से, मतलब उसमें कुछ नहीं था, खाली था वो, तो अच्छा हुआ निकाल लिया, वरना तो डस्टबिन में पहले डाल देते आज उसने। और ना बच्चे क्या क्या करते हैं ना, मतलब फिर यही बातें बच्चों की याद आती है बाद में जाके। तो अभी मुझे मेन क्या बनाना है, उसके लिए बनानी है इडली, क्योंकि वो 2 दिन से कर रहा है मुझे मम्मा इडली मम्मा इडली। मैं उससे पूछती हूँ ना, कुकू क्या खाना है, इडली इडली इडली। तो मैं उसके लिए इडली बना देती हूँ, वो उठेगा तो मैं उसको इडली खिला दूँगी, फटाफट से बनाती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टेंट इडली बनाती हूँ, तो वही बनाऊँगी अभी उसके लिए भी। तो चलिए फिर बनाते हैं इडली, एंड अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।